मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल आसिफ जरदारी। मुझे ललकारा है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपने वीडियो पैगाम में चौंका देने वाले इंकशाफात कर दिए। इंकशाफात से खलबली मच गई है। वीडियो पैगाम में परवेज मुशर्रफ जहां कई सवालात उठाते हैं वहीं जवाबात भी देते हैं। पहला सवाल ये कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल का फायदा किसको हुआ। सवाल का जवाब साबिक सदर कुछ इस तरह से दे रहे हैं। मेरा तो नुकसान ही नुकसान हुआ बेनजीर के मर्डर से। फायदा एक ही आदमी को हुआ और वही जो मर्डरर है आसिफ जरदारी। दूसरा सवाल, बैतुल्ला महसूद ने किसके कहने पर बेनजीर को कत्ल किया। परवेज मुशर्रफ ने ऐसा जवाब दिया कि देखने सुनने वाले दंग रह गए। ये तो हकीकत है कि बेनजीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा। कि इस मर्डर के ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था? क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया? परवेज मुशर्रफ ने तीसरा सवाल ये उठाया कि बम प्रूफ गाड़ी की छत काटकर किसने हेड बनवाया। सवाल भी अहम उठाया और जवाब भी लाजवाब दिया। वो जो बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ी है जिसमें बेनजीर साहिबा बैठी थी, उसके छत पे ये किसी नॉर्मल मैकेनिक से ऊपर छत को काट के एक खिड़की बनाना, हैच बनाना उसका, ये किसने करवाया? चौथा सवाल, बेनजीर भुट्टो को किसने फोन करके गाड़ी से बाहर निकलने का कहा। सवाल भी उठाया तो जवाब भी दिया। बेनजीर तो दो घंटे उधर जलसे में एड्रेस करके लोगों को हाथ हिलाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए। बिल्कुल सेफ, बड़ी बेहतरीन सिक्योरिटी। उसके बाद किसी ने टेलीफोन करके उन्हें कहा कि आप बाहर निकले उस हैच में से जो कटवाया गया। पांचवा सवाल, बेनजीर का फोन जिस पर मैसेज आ रहे थे वो फोन किधर गया। छठा सवाल ये कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल के वक्त गाड़ी में कौन कौन मौजूद था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने इस सवाल का जवाब भी खुद दिया। नाइफ खान बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड सफदर अब्बासी साहब बैठे हुए थे, मखदूम अमीन फहीम साहब सीनियर पीपल्स पार्टी के शख्सियत वो बैठे हुए थे, और एक इनका जेल का साथी कहना चाहिए या इनका जो चोर डाकुओं का साथी शहनशाह खालिद शहनशाह वो भी बैठा हुआ था। सातवां सवाल ये कि बेनजीर के सिक्योरिटी इंचार्ज खालिद शहनशाह को किसने मारा। ओवरऑल इंचार्ज रहमान मलिक और क्लोज इन सिक्योरिटी इंचार्ज ये खालिद शहनशाह। अब किसने लगाया था इनको भाई, इनकी क्या एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी देने की। उस कत्ल के बाद कुछ दिन बाद कराची में इनकी बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में इनको भी कत्ल कर दिया गया शहनशाह को, और जिसने शहनशाह को मारा उसको भी कत्ल हो गया। ये कौन करवा रहा है पीछे से सारी चीजें? एक आदमी जो केपेबल है, आसिफ जरदारी। आठवां सवाल, बेनजीर के रूट में तब्दील का मकसद क्या था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वीडियो पैगाम में खुलकर बोले और वाजे कहा कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें ललकारा है जो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। परवेज मुशर्रफ को तो केस का सामना है ही, तहम अब आसिफ अली जरदारी को भी जवाबात देना पड़ सकते हैं।